वरुण मॉर्निंग, क्या कुछ तूफानी होने वाला है या सब शांति है? देखिए शांति रहने वाली है और ये शांति शायद लंबी चल भी सकती है। इस बार की कम से कम जो आरबीआई पॉलिसी एक नॉन इवेंट हो सकती है, क्योंकि पहला सवाल हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स के साथ ये था कि आरबीआई इस बार क्या करेगा, क्या कोई भी रेट हाइक नहीं करेगा, अगर किया तो 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट कितना करेगा। और एक सुर में सब कह रहे थे कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने वाला है, जस की तस रहने वाली है। लेकिन क्या ये अब स्टेटस को ही रहेगा आगे चल के और कोई भी रेट हाइक नहीं होने वाला है? अगला सवाल हमारा यही था कि इस बार तो नहीं होगा, कि आगे आप सोच रहे कि रेट हाइक होगा, तो यहाँ पे सब एक सुर में कह रहे थे कि नहीं, आगे भी रेट हाइक नहीं होगा, यानी कि वो सिलसिला जो है रेट हाइक का वो ख़त्म हो चुका है, ये सब मान के चल चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा इसके पहले भी जब हमने पॉलिसी पोल बनाया था तो लोगों से हम ये पूछते थे कि रेट कट कब से शुरू होगा, तो जब दो तीन पॉलिसी पहले जब हमने पोल बनाया था तब लोग कहते थे कि शायद फेस्टिवल सीजन में रेट कट शुरू हो जाएगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि शायद अगले साल अप्रैल के आसपास रेट कट हो सकता है। क्योंकि हमने जब सवाल पूछे तो करीब 85% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि फरवरी 2024 के बाद ही जो पॉलिसी है उसके बाद ही रेट कट शुरू होगा, कुछ कह रहे थे कि फरवरी में होगा, यानी कि अगली तीन पॉलिसी में नहीं होना है ये तो पक्का है, फरवरी के बाद होगा क्या ये देखना होगा। GDP एस्टिमेट को लेकर हमने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई बदलाव होगा, 85% यानी कि 85% कह रहे थे कि नहीं, 15% कह रहे थे हाँ, और CPI को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो 85% कह रहे थे कि हाँ शायद यहाँ पे रिवीजन हो सकता है, और कुछ कह रहे थे कि Q2 और Q3 के नंबर्स में रिवीजन हो सकता है, और 15% का कहना था कि नहीं शायद कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस बार नज़र होगी CPI के आंकड़े पे कि वहाँ कोई बदलाव होता है कि नहीं, बाकी कहीं भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अजीब भी है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए जो दिक्कत का सबब है वो महंगाई ही है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि पॉलिसी को लेकर इतने कड़े नियंत्रण अब तक दुनिया भर के बैंक्स में हमने बनते देखे। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। और आपको